Very very good evening to all of you. Welcome you all on our YouTube channel The Learning Garden. I am Dr. Manju. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मूवमेंट इन बर्ड्स. तो बर्ड्स की खासियत क्या है ये देखिए. बर्ड्स जो है दे कैन फ्लाई, दे कैन वॉक ऑन द ग्राउंड. और कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं लाइक डक्स, स्वैंस, दे कैन स्विम इन वॉटर. तो ऐसे क्या खासियत है, जैसे क्या ह्यूमन बॉडी जो है स्विम कर सकती है? यस. क्या ह्यूमन बॉडी वॉक कर सकती है? यस. बट क्या ह्यूमन जो है ह्यूमन बॉडी फ्लाई कर सकती है? नो. तो कुछ तो डिफरेंस होगा. बर्ड्स में ऐसी क्या खासियत है कि दे कैन फ्लाई. तो इनकी बॉडी इस तरह से सूटेड होती है, इनकी बॉडी की स्ट्रक्चर ऐसी होती है कि वो फ्लाई कर सकती है. तो यहाँ पे हम देख, अगर आप बर्ड्स की बात करोगे तो बर्ड्स की जो बोन्स हैं वो होलो होती हैं, होलो मतलब खोखली, और लाइट इन वेट होती हैं. तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए, ये बर्ड की बोन दिखा रखी है और ये ह्यूमन बोन है. तो ह्यूमन बोन में आप देखेंगे कि बोन मैरो प्रेजेंट है, लेकिन जो बोन बर्ड की है उसमें बोन मैरो प्रेजेंट नहीं होता. इसमें लार्ज एयर पॉकेट्स प्रेजेंट होते हैं. आप देखोगे कि इतनी होलो है, इतनी मतलब खाली है, तो ये बहुत ही लाइट वेटेड रहती है. जो बर्ड्स की बोन्स हैं उसमें बहुत सारा एम्प्टी स्पेस है, अगर ह्यूमन बॉडी के कंपैरेटिवली उसको देखेंगे तो. ये जो क्योंकि एम्प्टी स्पेस है, तो दिस एम्प्टी स्पेस मेक द बोन्स ऑफ द बर्ड्स लाइटर एंड सो दैट बर्ड्स कैन फ्लाई इजीली. अगर हम आउटसाइड देखेंगे बर्ड बोन एंड ह्यूमन बोन, तो इनका लुक जो है ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है. लेकिन हमने बताया ना कि बर्ड बोन में बोन मैरो प्रेजेंट नहीं होता है, जबकि ह्यूमन बोन में होता है. यहाँ पे ही हम बर्ड का स्केलेटन देखेंगे. तो यहाँ पे ये जो बर्ड है इसकी हिंड लिम्स, हिंड लिम्स जैसे ह्यूमन में हमारे पैर हो गए, तो ये जो बर्ड्स की जो हिंड लिम्स हैं दे आर टिपिकल फॉर वॉकिंग एंड पर्चिंग. मतलब बर्ड्स जो है जो हिंड लिम्स हैं उनके सहारे जो है बर्ड्स वॉक करते हैं. और अगर इनका जो बोनी पार्ट है फोर लिम्स वाला, जैसे फोर लिम्स हमारे हैंड्स होते हैं, जो बोनी पार्ट्स ऑफ द फोर लिम्स ये विंग्स में मॉडिफाई हो जाता है, और जो इनकी शोल्डर बोन्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहती हैं. अगर बात करें ब्रेस्ट बोन की, तो बर्ड्स की जो ब्रेस्ट बोन्स हैं वो मॉडिफाई हो जाती हैं टू होल्ड द मसल्स ऑफ द फ्लाइट. और ये जो मसल्स हैं वो हेल्प करती हैं विंग्स के अप डाउन मूवमेंट में. जैसे कि हमने बताया कि जो फोर लिम्स हैं वो विंग्स में मॉडिफाई हो जाती हैं, और जो इनके ब्रेस्ट बोन हैं वो मसल्स ऑफ फ्लाइट में मॉडिफाई हो जाती हैं. और ये जो मसल्स हैं इन विंग्स के अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट में हेल्प करती हैं. जैसे इस तरीके से डाउनवर्ड मूवमेंट होगा, अपवर्ड मूवमेंट होगा, तो यहाँ पे ये कौन हेल्प करती हैं? ये जो इनके मसल्स ऑफ फ्लाइट्स होती हैं, जो ब्रेस्ट बोन है वो मॉडिफाई हो जाती हैं मसल्स ऑफ फ्लाइट्स में. और ये जो मसल्स ऑफ फ्लाइट्स हैं ये विंग्स के अप डाउन मूवमेंट में हेल्प करती हैं. सो ये हुआ बर्ड्स की मूवमेंट के बारे में. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. जय हिंद.